Assalamu alaikum and hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. अभी ना सुबह सुबह हुई है और आसपास कोई नहीं है, इसलिए भी मैंने मास्क उतारा है. तो मैं अभी जा रही हूँ कन्वीनियंट स्टोर कुछ नाश्ते के लिए लेने. घर पे कॉफ़ी के अलावा कुछ नहीं है नाश्ता के लिए, तो लेट्स गो. यहाँ पे ये सारी ब्रेड्स हैं. अब लेट मी फाइंड समथिंग, लेट्स गो फॉर द पेमेंट. तो मैंने लिया है ये हर्शी का चॉकलेट चिप सिंगल कुकी. बहुत ही जायंट कुकी है, बड़ी. ऐसी कुकीज़ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें चॉकलेट होता है और चॉको कुकी. और दूसरा मैंने लिया है ये स्ट्रॉबेरी सैंडविच. तो इसके अंदर ना ऐसे स्ट्रॉबेरी क्रीम होती है और ये मैंने खाया हुआ है पहले ही, बहुत डिलीशियस होता है. सो आई जस्ट बॉट दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट. जल्दी जल्दी में मैं दो डिफरेंट ही सॉक्स पहन के चली गई और अभी जल्दी से कॉफ़ी बना लेते हैं. ये वाला मैं मग यूज़ कर रही हूँ, ग्लास. ये मेरी कॉफ़ी और ये कॉफ़ी का फिल्टर जो कि कभी हाथ में ही नहीं आता उधर, क्योंकि सारे एक साथ पड़े हैं ना. और ये एक चम्मच. और इसमें ना अभी हम डालेंगे पानी आराम आराम से, नीचे फिल्टर हो रहा है. तो बस यहीं पे ये वाली न्यू स्टाइल कॉफ़ी या फिल्टर कॉफ़ी बनती रहेगी और मैं ना अपना नाश्ता करती रहूँगी जब तक ये आराम आराम से बैठ के फिल्टर हो. मेरे पास अभी तक कॉफ़ी फ़िल्टर मैंने अभी तक नहीं लिया, तो इसलिए मैं चाय वाली छन्नी यूज़ कर रही हूँ. लेकिन इसके लिए प्रॉपर एक कॉफ़ी फ़िल्टर होता है जिसके ऊपर ये रख देते हैं, तो कोई बात नहीं, जुगाड़ी काम हो रहा है इधर. सबसे पहले हम खाएंगे ये वाला टर्की सैंडविच, मतलब स्ट्रॉबेरी सैंडविच. ये सिंपल ब्रेड होती है और उसके अंदर होता है कुछ स्ट्रॉबेरी क्रीम. ऐसे बहुत मज़े का है, इसमें ना बहुत वो टेस्ट आता है, बटर बटर. लाइट के रिफ्लेक्शन में दिख नहीं रहा क्या? अभी वाला मैं बाद में खाती हूँ, लेकिन इसको खोलते हैं अभी. जायंट कुकी है ये. अरे मुझे लगा कि अंदर से ऐसी होगी, इतना मतलब चॉकलेट चिप लगे हुए, लेकिन इसमें चॉकलेट चिप का है यार. बहुत ही सॉफ्ट है और ये रहा चॉकलेट चिप, इसके अंदर अंदर होगा शायद. इसको टेस्ट करते हैं. बहुत ही सॉफ्ट है, केक की तरह यार. वाओ, बहुत चॉकलेटी टेस्ट आ रहा है, अंदर मेल्टेड चॉकलेट है क्या पता नहीं. ये खा के मुझे मेरी ट्रिप याद आ गई. कोरिया में ही हम कहीं ट्रिप पे गए थे जापानीज के साथ, जापानीज स्टूडेंट थे और कोरियन मेरे क्लासमेट्स थे वर्कशॉप पे. तो उधर हमने ऐसे कुकीज खाए थे, बड़े बड़े जायंट कुकीज. मैंने वीडियो भी बनाई थी उसकी शायद. तो ये बहुत ही मुझे पसंद आया था उधर, वो तो बहुत बड़ा 5-स्टार होटल थी, उधर से सर्विस में मिला था वो. ये देखो कन्वीनियंट स्टोर में भी मिलता है, मुझे पता नहीं था. तो बस कॉफ़ी इतनी ही और मज़ा आ गया. तो अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. पीछे अभी टीवी चल रही है, उस टीवी का साउंड होगा. और बस नाश्ता कर लिया, अभी मैं ना ये सीरम लगा रही हूँ क्योंकि स्किन जो है ना वो बहुत ड्राई हो रही है. रात को मैंने क्रीम लगाई थी, अभी सुबह को भी कुछ ना कुछ ज़रूर लगाऊंगी ताकि स्किन अच्छे से रहे. If you guys didn't already know, we're so excited and blessed to know. I announced it on my Instagram at Alja Queen Home Decor. That's the reason why I've been missing on YouTube, but look forward. I like changing things up a lot, but if I were to buy new decor every time I wanted to freshen up and add them in a different part of your home.
अभी ना मुझे घर के कुछ काम करने हैं, घर को सेटरेट करके फिर मैं जाऊंगी बाहर, क्योंकि आज ना इथेवन जाना है काम से। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना चिकन वगैरह इथेवन से खरीद के आऊँ, वहाँ पे हलाल चिकन मिलते हैं जिस चीज़ को अगर पता नहीं है। तो इथेवन में पूरी मार्केट्स होते हैं जहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी सब सामान मिलते हैं हमारे कंट्रीज़ के। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन हर चीज़ मिलती है खाने पीने से रिलेटेड। कोरिया में हमारे स्टाइल के जो पाकिस्तानी कुर्ता शलवार कमीज ऐसी चीज़ें नहीं मिलती यार। तो ये हमें बड़ा प्रॉब्लम होता है ईद वगैरह के टाइम। लेकिन खाने पीने का सब कुछ मिलता है, लेकिन कपड़े वपड़े पाकिस्तानी स्टाइल कुछ भी नहीं मिलता इधर। तो इसलिए आज बस निकलते हैं थोड़ी देर में ही। और आज मेरा दिल कर रहा है तुर्किश कबाब खाने का, जो कि शौरमा होता है, तो मैं आज वो खाऊंगी। मुँह में अभी अभी ही पानी आ रहा है मुँह में सुन के ही। तो चलो जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। तो ये है तुर्किश रेस्टोरेंट। मैंने ऑलरेडी सामान वामान खरीद लिया, उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, तो ये जस्ट इसकी क्लिप कुछ ले ली थी। ये है मैंगो लस्सी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्राई करूँ। मैंने पहले भी ट्राई की थी, मुझे पसंद आई थी। यहाँ पे बहुत थिक सी दही होती है और थोड़ा सा मैंगो का फ्लेवर होता है, अच्छा था। और फिर मैंने ये वाले फ्राइज़ लिए थे, हर जगह के डिफरेंट फ्राइज़ होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ के भी बहुत टेस्टी थे, गार्लिक एक टेस्ट आ रहा था। और ये है कबाब, जो कि एक टोर्टिलाज में भी आता है और ब्रेड में भी। मैं हमेशा टोर्टिलाज वाला खाती हूँ, तो इस बार मैंने ब्रेड वाला खाया और इसके अंदर ना पूरा वो था, लैम्प लैम्प कबाब था ये, तो इतना मज़े का, इतना डिलीशियस था। अभी ना ये मैं हाफ़ खाया था और हाफ फिर घर ले गई थी, क्योंकि बहुत बड़ा जायंट साइज़ का था, लेकिन मैंने प्रॉपर इन्जॉय किया था। फ्राइज़ मैंने पूरे जल्दी खा लिए थे ना, तो इसलिए मेरा पेट भर गया था, लेकिन मैं इसमें से लैम्प ढूंढ ढूंढ के खा रही थी। ये ना तुर्किश रेस्टोरेंट जो है ना, उसकी डेकोरेशन अंदर से ऐसी थी, खाली पड़ा था पूरा, क्योंकि आजकल ना कोई इतना बाहर नहीं खाता है, कम ही लोग खाते हैं आजकल, हालात ठीक नहीं है। इसलिए अभी चलो मैं घर जा रही हूँ और ये सारे सामान मैं लेके आ गई। तो अभी मैं इथेवन से ये दो जो पॉलिथीन बैग है, दो भरे हैवी हैं बहुत, ये लेके आई हूँ सामान। लास्ट टाइम मैंने ऑनलाइन लिया था वो भी अच्छा था, लेकिन इस बार मैं इथेवन गई थी ना काम से, तो इसलिए लेके आई हूँ। अभी हम लोग देखेंगे हमने क्या लिया। ठीक है, अरे टायर्ड हो गई यार, बाहर बहुत ठंड है। मैं दिखा दिखा के इस टेबल में रखती जाती हूँ। तो मैंने ये नान लिया है बहुत शौक से, क्योंकि रोटी जो है ना यार वो खा खा के फिर कौन आटा वाटा बनाए। तो इसलिए ना ये गार्लिक एंड बटर नान है, ये अराउंड 3 to 4 डॉलर्स का था, और इसके अंदर हैं सिर्फ 3 नान, बस इतने थोड़े से नान। ये मैंने 2 पैकेट लिए नान के। और उसके बाद ये मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, बंटी चॉकलेट जिसके अंदर कोकोनट है, तो ये मैंने 2 लिए थे, एक खा लिया एक ये है। और जो मेन काम था, मैं किसी और काम से गई थी लेकिन साथ में मैं चिकन वगैरह लेके आई। ये हलाल चिकन मिलता है ऐसे, हलाल चिकन जो इतिवन से, तो ऐसे मैंने 5 पैकेट्स लिए जो कि मैं फ्रीज कर दूंगी, लेकिन ये फ्रेश है पूरा। देखो सॉफ्ट चिकन ऐसे फ्रोजन भी मिलते हैं, लेकिन मुझे ना फ्रेश वाला ज्यादा पसंद है, तो ये फ्रेश। तो ऐसे ये इस चिकन की प्राइस होगी अराउंड 4 डॉलर, क्योंकि कोरियन वन में 5,000 या 5,500 का था एक पैकेट। तो ऐसे चिकन एक, ये दूसरा पैकेट, ये तीसरा पैकेट, क्योंकि बार बार इथेवन जाना वो हो जाता है प्रॉब्लम, जैसे ये तो मैंने ऐसे ही लिया है, कचरा फेंकने के प्लास्टिक बैग्स होते हैं इधर अलग से डिफरेंट, तो इसलिए मैंने ले लिए। साथ में मैंने ये बहुत मज़े की एक चीज़ ली है, ये मैंने रमज़ान में भी ली थी, इसको कहते हैं दाल पूरी। इस पूरी के अंदर होती है दाल, ये जस्ट फ्राई करके खाते हैं, तो ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, 4 डॉलर्स तक होगा। तो ये मैंने बहुत शौक से लिया है। और ये वाली चीज भी बहुत बहुत ज्यादा शौक से लेके आई हूँ, ये पराठे हैं, जो लच्छा पराठा होता है ना वो है इसके अंदर। और पता है कितना है इसके अंदर, है 25 पराठे, जो हम खाएंगे चाय के साथ या कॉफी के साथ, ज्यादातर मिल्क टी के साथ अच्छा लगता है। तो ये 25 पराठे हैं, ये था अराउंड 10 to 11 डॉलर्स, थोड़ा महंगा था लेकिन मैंने खरीदा। फ्रीज कर दूंगी इसको मैं, ये ऑलरेडी फ्रोजन है। और
ये मेरा मिस्टर कबाब जो मैं खा रही थी ना, शौरमा, तुर्किश फूड है ये, तो ये मेरा थोड़ा बच गया था तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। अभी शाम को थोड़ी देर के बाद खा लूंगी। और बाकी इसके अंदर भी ये दो चिकन के ही पैकेट है, ठीक है। तो अभी मैं इन सब सारी चीज़ों की सेटिंग करूंगी, फ्रीज कर दूंगी, और बाकी हम ना बाद में मिलते हैं। पराठा या कुछ खा लूंगी मैं बना के, दिल तो कर रहा है अभी खा लूं, लेकिन अभी पेट बहुत भरा हुआ है क्योंकि मैं खा के आई हूँ तुर्किश कबाब, तो इसलिए हम ना बाकी बाद में मिलते हैं। और हाँ, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को दिखाऊं कि हलाल शॉपिंग कैसे होती है। एक तो ऑनलाइन मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी और ये दुकान जाके खरीदे के आई हूँ, तो इसलिए दुकान पे यार मैंने शूटिंग नहीं की, भूल गई, लेकिन खरीद के आई हूँ तो वो ऐसे पैकेजिंग में होती है और इतना फ्रेश होता है चिकन। अभी ना यहाँ पे मैंने चाय रख दी है और आज हम खाएंगे पराठा। माशाल्लाह से फ्रिज को मैंने, फ्रीजर जो है ना वो पूरे ऐसे, ये मेरी चीज़ भी पड़ी हुई है, मोज़रेला चीज़, और ये मैंने आइसक्रीम लिए थे तो वो भी इधर रख दिए, उधर भी है दाल पूरी, नान, इतना तो अच्छा लग रहा है देख के, भूख लग रही है। आज हम खाएंगे ये वाले पराठे, अभी पकाऊंगी। और ये वाला दूध जो है ना मेरा ख़त्म हो गया था फ्रिज में, मैं क्योंकि आजकल चाय नहीं पी रही तो अभी अभी ही ये लेके आई हूँ, साउल मिल्क। ये सबसे बेस्ट है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, फुल क्रीम मिल्क चाय के लिए तो बहुत अच्छा है। ये पराठा का पैकेट अभी भी मैंने खोला है और इतनी अच्छी बात लगी मुझे ये कि यहाँ पे अंदर ना ऐसे सेक्शंस बने हुए हैं, मतलब ये कुछ कुछ पराठे अलग अलग प्लास्टिक बैग में रैप किए हुए हैं, तो यही अच्छा है यार। तो अंदर ना इसके ना टोटल 5 पराठे हैं, 5, और अभी ना मैं कुछ पकाऊंगी, शायद 2 बनाऊं। डाला और ये गर्म हो गया होगा, चलो अभी पराठा बनाते हैं। चाय भी ऐसे ऊपर आ रही है, अच्छे से बन रही है, कड़क चाय। पत्ती ज़्यादा डाली थी मैंने आज क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है ना, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का लग रहा है यार इसमें ना, वो मुझे लगता है ये लच्छा पराठा ही है। अरे ये क्या हुआ, नीचे से मोबाइल लेने गई और ये ऐसे हो गया, तो ये ना अच्छा ही लग रहा है, टेस्टी, ऐसे फूल रहा है अंदर, हवा भर गई। थोड़ा सा क्रिस्पी करें ना, चाय के साथ खाने में मज़ा आएगा, ऐसे करने से पराठे में ना अच्छा सा कलर आ जाता है। चाय भी रेडी, तो ये है वो पराठे और इतना मजे का लग रहा है, क्रिस्पी, देखो आवाज भी आ रहा है, हमने इसको चाय के साथ खाएंगे। बहुत ही मजे का पराठा, ऐसा पराठा घर में बनाओ तो फिर बहुत मक्खन मक्खन चाहिए होता है, तो अभी मैं अपना पराठा चाय एंजॉय करूंगी बिग बॉस के साथ। और यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन खुदा हाफिज, बाय बाय।